डायपोल क्या होता है, आखिरी क्लास में देखा अपन ने, यदि दो चार्ज ले लेते हैं, अपन प्रैक्टिकली देखा था अपन ने कि यदि हम दो चार्ज ले लेते हैं, दो आवेश ले लेते हैं, और वो दो आवेश जो है वो बराबर पोटेंशियल के होते हैं, बराबर मात्रा के होते हैं। पोटेंशियल मतलब कि स्ट्रेंथ की बात करें, यदि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों ही जो है वो एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, मान लीजिए आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना, एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो इस चार्ज के कारण भी विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। दोनों ही चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ जा रही होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर की तरफ आ रही होगी, है ना, माइनस चार्ज की तरफ आती हुई प्रतीत होती है और इससे जो है वो जाती हुई प्रतीत होती है। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, है ना। अब हम जो है वो डायपोल के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो डायपोल क्या होते हैं, डायपोल जब दो आवेश, बराबर मात्रा के आवेश आसपास रख दिए जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है डायपोल। हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव, डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव, द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब पोल, डायपोल, है ना। तो मेरे ख्याल से शाब्दिक अर्थ समझ गए होगे आप, डाई मतलब ये दो, दो डुओ बता रहा होता है, डाई पोल मतलब कि ध्रुव, ध्रुव, द्विध्रुव किसको बोलते हैं, दो आवेश समान आवेश के। हाँ, यहाँ पर ये बात जरूर है कि इन पर आवेश समान होना चाहिए, यदि यहाँ पर ये एक कूलाम है तो ये भी एक कूलाम होना चाहिए, यदि यहाँ पर ये दो कूलाम है तो ये भी दो कूलाम ही होना चाहिए, आवेश की मात्रा बराबर होना चाहिए। ऐसा हो गया कि यहाँ पर तीन कूलाम है तो डायपोल नहीं बन रहा होगा, ये वाली डायपोल की कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डायपोल में जो चार्जेस की वैल्यू रहती है, जो मात्रा रहती है, क्वांटिटी रहती है, वो सेम रहती है। यदि मैं डायपोल की बात करूं तो डायपोल, इसी को हम डायपोल बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर दो टर्म आती हैं डायपोल से जुड़ी हुई, वो दो टर्म है, डायपोल लेंथ, डायपोल की लंबाई, तो उसको अपन बोलते हैं डायपोल लेंथ, LENGST, लेंथ के बारे में बात करूंगा, हिंदी में इसको बोल देंगे लंबाई बोल देंगे। तो जो डायपोल की लेंथ मानी जाती है वो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस मानी जाती है, वो डायपोल की जो टोटल डिस्टेंस मानी जाती है वो 2a मानी जाती है। कितनी? 2a मानी जाती है। और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट यहाँ पर कहीं होता है, और यहाँ इसको जाहिर सी बात है केंद्र बोलेंगे, सेंटर पॉइंट बोलेंगे, तो आप इसको सेंटर भी लिख सकते हो। सेंटर की दो स्पेलिंग होती है, CNTR और CTR, TRE दोनों ही सही है, क्योंकि एक ब्रिटिश इंग्लिश में और एक अमेरिकन इंग्लिश में, दोनों ही सही है। ये सेंटर पॉइंट होता है, मामला वो नहीं है, अपन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं तो उस पर बात नहीं करूंगा मैं। सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट से जो इस साइड की दूरी होती है, जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो a होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी a होगी। दोनों a a मिलके टोटल डिस्टेंस कितनी बना लेंगे, टोटल डिस्टेंस जो है वो 2a बना लेंगे। मतलब दो चार्जेस के बीच डायपोल में जो टोटल डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, वो 2a होती है। और अगर सेंटर से डिस्टेंस की बात करें तो a a दूरी पर वो दोनों चार्ज हो रहे होते हैं उसके सेंटर से, है ना। तो डायपोल की जो लेंथ होती है इसको 2a से दर्शाते हैं, 2a मानी जाती है उसको। और दूसरी एक और टर्म यूज की जाती है डायपोल मोमेंट में, वो होती है इसकी लेंथ के बाद जो होती है वो होता है डायपोल मूवमेंट, है ना। डायपोल मूवमेंट की बात करें, यदि हम डायपोल मूवमेंट की बात करें तो डायपोल मूवमेंट जो होता है, डायपोल द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो, जाहिर सी बात है जो मूवमेंट है वो वेक्टर टर्म है, तो वो वेक्टर टर्म की बात ही करेंगे, लेकिन अभी हम केवल स्केलर की बात कर रहे हैं। तो जो डायपोल मूवमेंट जो होता है वो बराबर होता है किसी दोनों चार्ज में से, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, दोनों का परिमाण बराबर है ना, दोनों में से किसी भी एक चार्ज की वैल्यू यानी कि क्यू, क्यू और इसकी डायपोल लेंथ के मल्टीप्लीकेशन की। डायपोल लेंथ कितनी होती है, 2a है, 2a है। तो जो डायपोल मूवमेंट होता है, डायपोल जो मूवमेंट होता है p होता है, वो बराबर होता है एक चार्ज के मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं अपन, कोई भी ले सकते हैं अपन, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के, लेंथ के बराबर होता है। तो ये डायपोल मूवमेंट बोलते हैं इसको, जहां तक हिंदी में जो है वो आघूर्ण बोलते हैं। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूं तो मैं आगे बोलूंगा नहीं, आपका काम है, आप बुक में देखिए, कई चीजें मैं आपको केवल सिखा दे रहा हूँ, बुक में आप चीजें सीखेंगे और डाउट भी कुछ क्वेश्चन पैदा करूंगा जो आप अपने कोचिंग के टीचर से या फिर स्कूल में जो है वो या फिर बुक से, आपका काम है उन डाउट को ढूंढना। डाउट डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू क्यू इन टू ए। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो P होता है वो वेक्टर टर्म है, वेक्टर टर्म है, और जबकि अभी हमने जो लिखा हुआ है यहाँ वेक्टर की कोई बात ही नहीं हुई हुई, डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं करी अभी। तो जब डायरेक्शन की बात नहीं करी है तो जाहिर सी बात है हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमको जो बता देगा वो इसका विस्थापन बता देगा,
यहाँ पर फिर से इसी चीज, इसी डायग्राम को यहाँ पर फिर से देखो, यदि दो चार्ज हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है यदि, चलो प्लस क्यू चार्ज है यदि, और ये वाला जो है वो माइनस क्यू चार्ज है यदि, तो यहाँ पर यदि मैं विस्थापन की बात करूं, तो इन दोनों के बीच विस्थापन कितना है, मतलब विस्थापन मतलब क्यू से लेकर, प्लस क्यू से लेकर माइनस क्यू तक चली गई दूरी, वो जितनी होगी उतनी माइनस क्यू से प्लस क्यू तक चली गई दूरी होगी, सेम होगी डिस्टेंस, बिल्कुल सेम होगी, और वो कितनी है, वो है 2a। यहाँ पर एक बात जरूर आ जाती है, बात जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो विस्थापन होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है हालांकि, लेकिन विस्थापन और दूरी में फर्क आप जानते हो, जो दूरी होती है वो अपन ने एक बार देखी थी, इसमें आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, जो विस्थापन होता है ये सदिश राशि होती है, इसमें दिशा की जरूरत होती है, बिना दिशा के आप विस्थापन नहीं ज्ञात कर सकते, जबकि जो दूरी होती है उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, है ना, वो एक आदेश राशि है, दूरी जो है वो एक आदेश राशि है, इसमें डिस्टेंस की, इसमें डिस्टेंस नापी जाती है। तो अपन ने 9th क्लास में एक सवाल, बहुत सारे सवाल करे थे कि आप इस पॉइंट पे हो, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो आप टोटल डिस्टेंस कितनी चले, तो आप बोलते कि यदि ये पांच है, ये पांच है, ये पांच है, तो आप टोटल दूरी कितनी चली, 15 मीटर चली, मीटर में मान लीजिए यदि, तो 15 मीटर चलते। यदि विस्थापन की बोलूंगा तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को यदि मैं मिला दूं तो मैं जितनी दूरी चलूंगा उसको बोलूंगा मैं विस्थापन, है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं विस्थापन। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन इंक्लूडिंग है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है, ये 2.5 हो जाएगी, ये 2.5 हो जाएगी, कर्ण कर्ण दोनों के कर्ण ज्ञात कर लेंगे, ये ट्रायंगल है, इसका कर्ण ज्ञात कर लेंगे, इसका ट्रायंगल का कर्ण ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो विस्थापन पता चल जाएगा। तो बोलने के बाद मकसद ये था कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यदि हम दो चार्ज के बीच में यदि विस्थापन निकाल लेते हैं, दो चार्ज के बीच में विस्थापन यदि निकाल लेते हैं, तो वो विस्थापन हमको क्या दिखा देगा, वो विस्थापन हमको दिखा देगा कि इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा क्या है। यहाँ पर एक बात सीखने वाली बात आती है, जो लास्ट क्लास में मोनिका ने भी पूछा था कि यदि हम भैया डायपोल की बात करें तो केमिस्ट्री में डायपोल क्या होता है और फिजिक्स में डायपोल क्या होता है। यहाँ पर एक बात ये आती है, यहाँ पर डायपोल में एक फर्क पता चल जाता है हमको, जो हम फिजिक्स में जो डायपोल की जो गति लेते हैं, जो गति की दिशा होती है फिजिक्स में, वो हम हमेशा फिजिक्स में जो ले रहे होते हैं वो हम हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब हमेशा फिजिक्स में मैं दिशा क्या लूंगा, इधर से लेकर इधर तक, है ना, हमेशा फिजिक्स में दिशा क्या लूंगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लूंगा, जबकि केमिस्ट्री में ज्यादातर पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है डायरेक्शन, ज्यादातर केस में केमिस्ट्री में डायपोल में जो गति की दिशा ली जाती है केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री में जो डायपोल की जो दिशा ली जाती है वो हमेशा कहाँ ली जाती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ली जाती है, जबकि फिजिक्स में क्या लेते हैं हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। अब क्या क्यों लेते हैं वो आपका काम है ढूंढने के लिए, मेरा काम था अभी बताने का कि ये चीज ऐसा होता है, दोनों में फर्क ये है कि केमिस्ट्री में जो डायपोल की मूवमेंट लेते हैं वो हम प्लस चार्ज से माइनस की तरफ लेते हैं, और जो फिजिक्स में लेते हैं वो माइनस से प्लस की तरफ ले रहे होते हैं। इसके बारे में अभी थोड़ी सी बात और करेंगे अपन, माइनस से प्लस की तरफ क्यों ले रहे होते हैं, अभी जब अपन इसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट है और थोड़ा सा टफ भी है, जाहिर सी बात है, हो सकता हो पहली बार में समझ में ना आए, हो सकता हो मैं समझाते समझाते अटक जाऊं क्योंकि पहली बार बता रहा हूं, लेकिन अपन कोशिश तो करेंगे, है ना, क्या क्या चीजें गिवन है, कैसे कैसे डेरिवेशन ड्राइव। तो यहाँ पर बताने वाली बात यह थी कि जो विस्थापन की दिशा ली जाती है केमिस्ट्री में प्लस चार्ज से माइनस की तरफ लेते हैं, फिजिक्स में माइनस से प्लस की तरफ ली जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं चार्ज लूंगा वो माइनस से प्लस की तरफ लूंगा, विस्थापन अभी भी कितना रहने वाला है, 2a ही रहने वाला है, वो माइनस से प्लस लूं या प्लस से माइनस लूं, वो विस्थापन अभी भी 2a ही रहने वाला है। तो मैं अगर मेरे को इसको वेक्टर के क्वांटिटी में दिखाना हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, p के ऊपर जो है वो वेक्टर लगा दूंगा, साथ ही 2a जो है वो क्या दिखा रहा होगा मुझे, वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहा होगा, वो डायरेक्शन दिखा रहा होगा। तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर वाला फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पर 2a मुझे क्या दे देगा, 2a मुझे जो है वो डायरेक्शन दे देगा, q तो मैग्नीट्यूड है ही, और मैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होती है, ये बात बहुत अच्छे से जानते हो आप, जब अपन ने वेक्टर पढ़ा था, पाप धोया था वेक्टर का जब, तो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है कोई भी वेक्टर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू जो है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और 2a क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। 2a क्या है, दोनों ही ध्रुव के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। 2a क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, या फिर आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट है तो ज्यादा अच्छा है, विस्थापन है, तो वो हमें क्या दे देता है, डायरेक्शन देता है। अच्छा, इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसकी अगर यूनिट की बात करें, SI यूनिट जो होती है टाई की द्विध्रुव आघूर्ण की, है ना, डायपोल मूवमेंट की जो SI यूनिट होती है
वो अपन इसके फॉर्मूले से आसानी से पता कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, क्यू। क्यू किसमें नापते हैं अपन, कूलाम में नापते हैं। तो क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम, और जो टू ए है ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस काय में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है। तो कूलाम मीटर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, कि इसकी डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम। यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रहे यहाँ पर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम मीटर है। इसकी एसआई इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर। किसकी, डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की एसआई इकाई क्या होती है, कूलाम मीटर। कहाँ से निकाली, इस फॉर्मूले से निकाली, कूलाम काय में नापते हैं, क्यू को किस में नापते हैं, कूलाम में, ए को किस में नापते हैं, मीटर में। कूलाम मीटर इसकी इकाई हो जाएगी एसआई। अच्छा, इसके अलावा भी इसकी दो इकाई और होती है, एक होती है स्टेट कूलाम, है ना, स्टेट कूलाम होती है एक, स्टेट कूलाम, और एक और होती है डेबाय बोलते हैं उसको, है ना, तो वो डेबाय भी एक इकाई होती है। तो ये दोनों जो है वो नॉन एसआई यूनिट है इसकी, मतलब इसके अलावा भी एसआई यूनिट के अलावा भी इसकी इकाइयां होती हैं, लेकिन वो नॉन एसआई होती हैं। एसआई आप समझते हो, है ना, एसआई यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड है, वही ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी दो इकाई नॉन एसआई यूनिट भी होती है, हो सकता है ये भी पूछ सकता है। अब आपके लिए होमवर्क ये दे रहा हूं मैं, आपको स्टेट कूलाम और डेबाय में जो है वो अंतर ज्ञात करना है। जैसे आपको मालूम है, अंतर ज्ञात करना है मतलब आपको मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको ये पता करना है एक स्टेट कूलाम में कितने डेबाय होते हैं, है ना, और एक डेबाय में कितने कूलाम मीटर होते हैं। तो दोनों में, तीनों में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है कि एक स्टेट कूलाम में कितने डेबाय होते हैं और एक डेबाय में कितने कूलाम मीटर होते हैं, सब मतलब तीनों की डेरिवेशन निकालना है। जैसे अपन ने याद है उसमें निकाली थी एम्पियर और मिली एम्पियर में निकाली थी, जैसे अपन ने मिली एम्पियर वगैरह में निकाली थी ना, जो एम्पियर, जो 1 एम्पियर बराबर से होता है 10^3 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर बराबर से होता है 10^3 माइक्रो एम्पियर, ये निकाली थी कि नहीं। तो ये तीन इकाई हो रही थी, एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। वैसे ही आपको कूलॉम मीटर, स्टेट कूलॉम और डेबाई में अंतर फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है, आप घर पे करेंगे इसको, इसको आप घर पे सॉल्व करिए। अभी के लिए इतना काफी था डायपोल के लिए जानना कि डायपोल क्या होता है। डायपोल जो है वो दो आवेशों का एक मिक्सचर है, जिसमें एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। इसमें जरूरी क्या है, दोनों का ही परिमाण बराबर होना चाहिए। यदि ये 1 कूलाम का है तो ये 1 कूलाम का ये भी होना चाहिए, दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डायपोल लेंथ की, डायपोल लेंथ कितनी होती है, 2 into a। यदि हम 20 सेंटर ले लें तो वो a डिवाइड हो जाएगा, आधा a ये रहेगा, आधा a ये रहेगा, है ना। टोटल डायपोल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर से चार्ज तक की वैल्यू जो है वो a रहती है, और इसकी वैल्यू भी a रहती है। अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर हम केवल पहले वेक्टर ना लें, वेक्टर की बात ना करें यदि हम, तो अगर वेक्टर भूल जाएं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ ही इन दोनों के बीच की मतलब डायपोल की लेंथ के, क्यू इंटू टू है। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर हम कैसे भूल सकते हैं, इसलिए हम वेक्टर भी लेंगे, और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम डायपोल की डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज करेंगे, डायपोल लेंथ का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, विस्थापन दिखा रहा है, इधर से लेकर इधर तक का विस्थापन दिखा रहा है, और विस्थापन एक सदिश राशि होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको हम वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 2a को क्या कर देंगे, ऐसा वेक्टर लिख देंगे, तो p के ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, 2a मौजूद है, और इसकी इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट होती है कूलाम मीटर। पर मीटर नहीं बोल सकते आप, पर कब लगाते हैं, जब बटे में होता है, बटे में नहीं है, कूलाम मीटर ही इसकी इकाई होती है। तो ये होगा इसका वेक्टर का, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ये होगा इसकी इकाई, ये होगा इसकी लेंथ, और यहाँ पर ये अपन ने डायपोल दिखता कैसे उसके बारे में बात कर ली, और यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर ली, कि केमिस्ट्री में हम डायरेक्शन डायपोल की कैसे लेते हैं, प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं, जबकि जो फिजिक्स होती है उसमें डायपोल की जो डायरेक्शन रहती है वो माइनस से प्लस की ओर ले जाती है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं अपन केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में यदि हम हाइड्रोजन HCl की बात करें, HCl का एटम यदि मान लीजिए ये कोई हाइड्रोजन का एटम है, बीच में पॉजिटिव है और आजू बाजू जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्लोरीन का भी बीच में नाभिक है उसका, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियाई और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये दोनों ही जो है आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं,
इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और उपसहसंयोजी बंध बना लेते हैं। आप समझते होंगे 11 क्लास में आपने पढ़ा होगा उपसहसंयोजी बंध क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। ये दोनों ही हाइड्रोजन के और क्लोरीन के एटम पास पास आ जाते हैं और क्या कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है यदि, तो ये जो है दो इलेक्ट्रॉन का जो है वो साझा कर लेते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे दिया है ना, तो एक हाइड्रोजन ये दोनों के इलेक्ट्रॉन के साझे के कारण से जो है वो HCl बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता का, आप शायद पढ़ा होगा विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ पर यदि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा होती है ना, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। इसके कारण से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये शिफ्ट कर जाते हैं सेंटर में ना होकर, ये थोड़े से जो है वो शिफ्ट करके क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं, क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं है ना। तो क्लोरीन की तरफ से जाने के कारण से क्या होता है, इसका जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर पॉइंट होता है मतलब ऋण आवेश का जो सेंटर होता है वो क्लोरीन की तरफ हो जाता है, क्लोरीन की साइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस डेल्टा है ना। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा से झुक गए क्लोरीन की तरफ ज्यादा चले गए तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश ज्यादा हो जाएगा, कौन सा सेंटर ज्यादा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन पर जो है वो धनावेश का सेंटर पॉइंट हो जाएगा, मतलब धनावेश जो होते हैं उसका सेंटर किस साइड होगा, हाइड्रोजन साइड ज्यादा होगा और क्लोरीन पर कौन सा आइटम कौन सा ऋणावेश का जो केंद्र होगा वो क्लोरीन की तरफ खिसक जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि क्लोरीन पर माइनस डेल्टा और हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा। अच्छा केमिस्ट्री में डायरेक्शन मैंने क्या बोली, प्लस से माइनस की तरफ, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे दिखा रहे होंगे हम। जब आप डायपोल पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो मेरी इस बात का बहुत अच्छे से आपको भान आएगा, आपको याद भी आएगी ये चीज कि केमिस्ट्री में हम जो है उसकी डायरेक्शन जो लेते हैं डायपोल की वो प्लस से माइनस की तरफ ले रहे होते हैं, और जबकि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ हो जाएगी। तो ये जो है वो आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर है, अपन हाइड्रोजन और क्लोरीन का उदाहरण लेके आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा होता है वो उपसहसंयोजी बॉन्ड होता है, हालांकि मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इस बात को जो मैंने बताई है पहली बार समझ रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे मेरे पास आए हैं मैंने जिनको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ाई है 11th में उनको बताया कि उपसहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा होता है और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, कैसे हो रहे होते हैं वो आपको सब केमिस्ट्री में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो है ना। यहाँ पर मेरे को ये बताना था कि डायपोल में यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या फर्क आ जाता है, तो वो मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है ना। जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा खिसक जाते हैं, जबकि होना कहाँ चाहिए था, इसको बीच में होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ खिसक जाते हैं और खिसकने के कारण से जो इस जो ये मॉलिक्यूल होगा, ये जो HCl का मॉलिक्यूल होगा उसमें जो नेगेटिव आवेश होगा ऋण आवेश होगा उसका सेंटर किस साइड होगा, क्लोरीन की साइड होगा, जबकि धनावेश का सेंटर किस साइड होगा, हाइड्रोजन की साइड होगा है ना। इस प्रकार से एक डायपोल का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार से एक डायपोल का निर्माण हो जाता है और जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ और फिजिक्स में माइनस से प्लस की तरफ। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, बाकी फिजिक्स के हिसाब से अभी अपन को किस किस की जरूरत है, इस पूरे पोर्शन की जरूरत, केवल डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में कि माइनस से प्लस होती है, बाकी इसकी इसका कोई लेना देना नहीं है अभी आपका फिजिक्स से, कुछ भी लेना देना नहीं है फिजिक्स का, लेना देना बस इन तीन चीजों से ज्यादा है। पहला तो लेंथ पता होना चाहिए आपको, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी SI यूनिट पता होना चाहिए, इन दोनों के सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी a होती है ये पता होना चाहिए, और इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है ये भी पता होना चाहिए, बस बाकी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मैंने अभी तक क्या क्या बोला है ना। इसके बाद मैं थोड़ी सी बात पिछली कर लूंगा, पिछली बात क्या कर लूंगा मैं यहाँ पर ये वाला सिस्टम पूरा के पूरा हटा नहीं रखे रहने देता हूँ, मेरे ख्याल से इसके साइड में सॉल्व कर लें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है इसको और थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि डेरिवेशन सॉल्व कर पाए अपन, ये अपन ने कर लिया है। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर पिछली कर लेता हूँ, पिछली बात क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर यदि कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है ना, और यदि मुझे यहाँ पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर कोई बिंदु पी है, मान लीजिए यहाँ पर जो ये वाला चार्ज जो है वो प्लस आवेश है ना, यदि प्लस चार्ज है तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि मैं बात करूं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इस डायरेक्शन में होगी। कैसे बता सकता हूँ? यदि मैं यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रख दूँ, प्लस क्यू चार्ज रख दूँ, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होने वाली है? इस साइड डायरेक्शन होने वाली है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होने वाली है? इस साइड होने वाली। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन थोड़ी सी बात कर चुके हैं, इस बारे में नहीं कर चुके हैं तो समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी? इस साइड होगी। कैसे होगी? इस पॉइंट पर। ये जो पी रखा हुआ है, ये कोई वो नहीं है, आवेश नहीं है, ये कोई जगह है, कोई पॉइंट है। इस पर यदि मैं कोई प्लस परीक्षण आवेश रखता हूँ, जो कि क्या होता है, हमेशा धनावेश ही होता है। पिछली क्लास में बता चुका हूँ क्यों होता है प्लस धनावेश। अगर मैं यहाँ पर कोई धनावेश रखता हूँ, तो ये धनावेश क्या करने वाला है? इसको इस धनावेश, ये वाला धनावेश उस परीक्षण आवेश को इस दिशा में धकेलेगा। यही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैसे निकाल सकते हैं? सेम टू सेम हम जो है वो उसके कारण से निकाल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, तो वो कैसे निकाल सकता हूं मैं? 1/4πε₀। यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर से मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट है वायु की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब इन चार्ज, इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में जो बीच में मीडियम होगा वो क्या होगा? वायु होगा या निर्वात होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। यहाँ पर जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मैंने आपको बोला हिंदी में याद कर लेना, देख लेना एब्सोल्यूट परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। एक बार अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो शायद आपको पता होगा। मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा और कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में बात करने पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, सीखो, है ना। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है? इसमें बीच में हवा है और कुछ नहीं, 1/4πε₀। और अच्छा, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चार्ज का परिमाण आ जाएगा। दूसरा चार्ज यहाँ पर अभी रखा ही नहीं है मैंने कोई सा, दूसरा चार्ज आएगा नहीं। अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि आर हो, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा? r², है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही बोलते हैं अपन, याद होगा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकाल रहे थे तो ऐसे कुछ आई थी। और बाकी के बगल में क्या लिख रहे थे अपन? कोई सा भी चार्ज। यदि यहाँ से मैं, वो अंकल ने पॉकेट में से चार्ज निकाल के बोर्ड पर रख दिया था, है ना, तो वो पॉकेट में से चार्ज अपन कोई सा भी रखेंगे, जो चार्ज रखेंगे वो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε₀ q into r². दूसरा क्यों क्यों नहीं रखा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कोई चार्ज रखा ही नहीं है, ये तो पॉइंट है, कोई जगह है जिस पर कोई चार्ज रखा जा सकता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। अच्छा, थोड़ी सी बात अब चार्ज के विषय में कर लेते हैं, कि यदि यहाँ पर डायपोल के विषय में कर लेते हैं, यही केस अगर डायपोल के केस में होगा तो क्या होने वाला है? इस चीज को मैं थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ। अब डायपोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दो आवेश हैं, डायपोल बन रहा है, यहाँ पर जो है ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक और चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है वो, और यहाँ पर जो है वो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, डायपोल के बारे में हमको थोड़ी चीजें पता है। थोड़ी चीजें क्या पता है? ये पता है कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, जिसको हम डायपोल लेंथ बोलते हैं, वो कितनी होने वाली है? वो होने वाली है 2a, होने वाली है कि नहीं? मैंने इसको बोल दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होने वाली है वो 2a होने वाली है। कितनी? 2a। अच्छा, आप डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, फोकस थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। ईजी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, नहीं तो डेरिवेशन बनेगा नहीं। तो अपन को ये पता है कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a होती है। अच्छा अच्छा, अपन को ये भी पता है कि इसके बीच का जो फासला होता है वो aa होता है, जो मिलकर 2a बना रहा होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। थोड़ा सा डिस्टेंस बीच में गड़बड़ हो गया, वो समझ सकते हो आप, मैं बीच की सेंटर की पॉइंट कर रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में aa कर सकते हैं इसको, 2a को अपन दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, a और a में। अच्छा, इसके बाद हमको और क्या पता है? हमको ये पता है कि यदि हम कोई चार्ज लें इसी के अनुदिश, इसके ही, हम इसको बोलते हैं कोएक्सियल एक्सिस, है ना, या फिर कोएक्सियल कोई चार्ज लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म आ रही है कोएक्सियल, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसको, कोएक्सियल एक्सियल एक्स एक्स, वो समझते हो, एक्सिस समझते हो, एक्सिस का फुल फॉर्म क्या हो, वो कैसे होता है, एक्सिस कैसे लिखते हैं? एक्सिस ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, तो कोएक्सियल जो है वो ऐसा लिखाता है इसका, एक्सिस समझते हो, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, समझते हो कि नहीं? यहाँ पर एक टर्म आती है कोएक्सियल। हाँ हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, डराओ मत, कौन था ये? कोएक्सियल, है ना। तो कोएक्सियल एक टर्म आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ पर ये डायग्राम बनाने से पहले ये समझ लो कि कोएक्सियल शब्द का मतलब क्या है। कोएक्सियल मतलब एक ऐसा एक्सिस जो दोनों ही आवेश को साथ में हो, दोनों ही आवेश का एक साथ में निर्धारण कर रहा हूँ। समझाता हूँ कैसे कोएक्सियल टर्म को समझते हैं।
कोएक्सियल लिखा हुआ है यहाँ पर यदि, तो उसका मतलब क्या है? यदि यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लीजिए ये वाला क्यू चार्ज ले लेते हैं अपन माइनस वाला, तो ये अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इसके देखो कितने सारे एक्सिस हो सकते हैं, कोई सा भी एक्सिस हो सकता है। अपन को चांदा तो है नहीं कि अपन केवल इसी डायरेक्शन में एक्सिस लेंगे, बिल्कुल नहीं। इसका एक एक्सिस जो है वो ऐसा भी हो सकता है, कैसा? ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ऐसे इस वाले चार्ज के भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी डायरेक्शन में भी एक्सिस होते हैं, कैसे भी डायरेक्शन में एक्सिस हो सकते हैं इसके। लेकिन एक एक्सिस ऐसा होगा जो दोनों ही चार्ज के लिए सेम होगा, दोनों ही चार्ज के लिए सेम होगा। वो एक्सिस क्या होगा? वो एक्सिस होगा ये वाला एक्सिस। यदि मैं ये वाला एक्सिस लूं तो दोनों ही चार्ज के लिए, देखो दोनों ही चार्ज के लिए ये वाला एक्सिस सेम होने वाला है ना। इसके अलावा कोई एक्सिस ऐसा नहीं होगा जो सेम हो। तो हम जो भी अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं वो इसी इसी को बोलते हैं कोएक्सियल एक्सिस। कोएक्सियल मतलब कि एक एक्सिस जो दोनों ही, को मतलब होता है सह, है ना, एक्सिस मतलब होता है अक्ष। तो मुझे नहीं मालूम हिंदी में सह अक्ष बोलते हैं कि नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कर रहा है। को मतलब होता है आपस में शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं जो एक्सिस। हिंदी में अगर इसका उच्चारण निकले, इसको तोड़े अपन, तो इसका मतलब हो जाएगा एक ऐसा एक्सिस जो कि दो चार्ज के कारण से शेयर किया जा रहा है ना। दो चार्ज जो है वो शेयर कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कोएक्सिस। तो यहाँ पर जो कोएक्सिस बन रहा है वो केवल यही वाला हो रहा है जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, उसको बोलेंगे। तो हम जो अभी ज्ञात कर रहे हैं, हम जो अभी फाइंड कर रहे हैं डेरिवेशन में, वो ये फाइंड कर रहे हैं यदि इस कोएक्सियल पे कोई बिंदु होगा, कोई बिंदु होगा, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई बिंदु होगा यदि मान लीजिए यहाँ पर है, तो वो ये बिंदु पर अगर हम बात करें डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं अभी? हम बात कर रहे हैं कोई डाइपोल के को एक्सिस पर जो कि ऐसा एक्सिस है जो दोनों ही शेयर कर रहे हैं, उस पर कोई बिंदु पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहें तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब हम वो ज्ञात कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि ये वाला कोई बिंदु है जिसको हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं पी नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पी नाम देंगे, लेकिन उसके लिए पी वो वैसे ही हो जाएगा, तो इसको ए नाम दे देते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हालांकि, लेकिन मैं नाम दे देता हूँ। चलो मैंने इसको नाम दिया ए बिंदु है कोई, क्यों पी क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वहां डायपोल मोमेंट के फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, इसलिए नहीं ले रहा हूँ पी, इसलिए मैं ए ले रहा हूँ, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। वहां पर मैंने ए पॉइंट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस डायपोल के कारण से ये जो दो चार्ज रखे हुए हैं होशियार बन के यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, दोनों ही समान मात्रा में आवेश लिए हुए अपने आसपास, बोल रहे हैं इस डायपोल के कारण से इस बिंदु पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब देखना अपन ने एक बार देखी है ना, एक चीज अपन ने प्रैक्टिकली देखी है कि यदि दो आवेश हैं तो ये वाला आवेश इसके पास में है, ये इस पर ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, और ये वाला थोड़ा सा दूर है तो इस पर कम फोर्स लगा रहा हो, तो यहाँ पर जो ये वाला बिंदु है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं होने वाला है, वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा चेंज होने वाला है। और ये डायपोल की कंडीशन इसलिए थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। अभी तक जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे थे ना, वो ये बोल दे रहे थे कि ये कोई चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज है यदि, तो ये यहाँ पर यदि कोई दूसरा चार्ज, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हम बोलते थे 1/4πε0 इस चार्ज की वैल्यू क्या, q/r² दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यदि ये जो थी प्रैक्टिकल टर्म नहीं थी, है ना, डायपोल यहाँ पर डायपोल की जो है वो प्रैक्टिकल टर्म आ जाती है, मतलब दो चार्ज आपस में रखे हुए हैं, दो चार्ज वो भी समान मात्रा के यदि रखे हुए हैं, इसलिए ये विशेष कंडीशन बन जाती है। और इसके लिए यदि हम कोएक्सियल एक्सिस पर कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो वो किस प्रकार निकालेंगे, वो अब हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो ये वाला चार्ज जो है प्लस क्यू जो चार्ज है वो यहाँ पर ए के अनुदिश कोई बल लगा रहा होगा। ये यदि मान लीजिए यहाँ पर मैं प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ, टेस्ट चार्ज रखता हूँ जो कि हमेशा धनावेश ही लिए जाते हैं, है ना, यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ, तो ये प्लस क्यू चार्ज को माना है मैंने कि वो प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला क्यू इस प्लस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगी। मैं लाइन थोड़ी सी चौड़ी कर लेता हूँ, जो फोर्स लगाएगा ये इस डायरेक्शन में होगा ये वाला फोर्स, और थोड़ा सा ज्यादा भी होगा, ये फोर्स जो है वो ज्यादा भी होगा। मैंने मान लिया कि ये प्लस क्यू चार्ज इस पर जो है वो इवन फोर्स लगा रहा है, ये वाला प्लस क्यू इस पर इस बिंदु पर कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित कर रहा है, इवन आरोपित कर रहा है, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से क्या है, इवन है। अच्छा ये माइनस क्यू है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर प्लस क्यू आपने परीक्षण आवेश रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, तो ये प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि विजातीय आकर्ष माइनस वाला है, ये प्लस रहेगा तो इसकी तरफ आकर्षित होगा,
इसकी तरफ आकर्षित होगा तो ये इस पर जो बल लगाएगा वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस साइड खींच रहा होगा, है ना। तो मैंने मान लिया। अच्छा एक बात यहाँ पर जरूर आपको फोकस करना पड़ेगी, ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले बिंदु से दूर है, इसलिए ये वाला जो चार्ज बल लगाएगा जिसको हम E2 बोल रहे हैं, वो E2 का जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, आपको दिख रहा है ये वाला E2 का मैग्नीट्यूड जो है वो E1 की तुलना में कम होने वाला है। जाहिर सी बात है ये वाला आवेश इस पर जो बल लगाएगा वो ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में है, ये वाला जो है वो दूर होगा, तो इससे तो कम होने वाला है, इससे तो जाहिर सी बात है कम होने वाला है, कितना कम होने वाला है वो नहीं पता लेकिन कम तो होने वाला है। तो जो मैंने वेक्टर बनाया हुआ है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये बराबर सोच समझ के नहीं बनाया है, ये वाला ई ज्यादा होगा इसलिए इसको बड़ा लिया है मैंने, और ये वाला ई छोटा होगा कम होगा इसलिए इसको छोटा लिया है, कम लिया है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है जाहिर सी बात है ना। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगी। अच्छा अगर मैं नेट नेट विद्युत क्षेत्र की बात करूं, नेट विद्युत इलेक्ट्रिक ई की बात करूं, नेट मतलब परिणामी की बात करूं, तो वो परिणामी कुछ हद तक एक ही साइड होगा, जो ये E1 है, E1 वेक्टर लिखो, बिल्कुल जाहिर सी बात है आप वेक्टर लिखोगे, ये E1 है ये E2 है दोनों के चार्ज का। यदि मैं परिणामी की बात करूं तो वो ज्यादा, देखो जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, यहाँ पर जो है एक साइड जो है वो थोड़ा सा, मान लो उदाहरण के लिए मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर इस वाले वस्तु को यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, और यहाँ पर जो है दूसरी साइड जो है वो मान लीजिए आपकी क्लास में चलो इसको ले लेते हैं, किरण को ले लेते हैं, किरण जो है वो इस साइड खींच रही है, जाहिर सी बात है मैं किरण से भारी हूँ, मैं हैवी हूँ थोड़ा सा, उससे बड़ा भी हूँ, तो यहाँ पर जो है वो ये जो किरण जो बल लगाएगी वो इस वस्तु पर कम बल लगा रही होगी, मान लीजिए 5 न्यूटन का लगा रही होगी, तो मैं इससे ज्यादा ही बल लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, इसके कारण से होगा क्या, परिणामी बल तो ये भी लगा रही है, ये इसको इस साइड खींच रही है, मैं इसको इस साइड खींच रहा हूँ, लेकिन मेरा बल ज्यादा है, ये वाली वस्तु जो है वो परिणामी आखिरी तक इस साइड खिसक जाएगी कि नहीं, बिल्कुल खिसकेगी। यही है आवेश के बारे में बोल रहा हूँ, ये आवेश के बारे में जो नेट नेट जो फोर्स लग रहा होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, उसकी डायरेक्शन जो है वो ये वाली डायरेक्शन में हो जाने वाली है, किस डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में। इस हरे वाले साइन को मिटा दूं, इसको वेक्टर ही लिखना है, जाहिर सी बात है आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होने वाली, उसको हम क्या बोलेंगे, केवल और केवल ई वेक्टर बोलेंगे, और यही हमको फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, ई वेक्टर फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि हम क्या चीज फाइंड कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से ज्वाइन करो।